गुलबर्गा शहर के वार्ड नंबर 3 मिल्लत नगर में रोड की हालत देख आप अंदाजा लगा सकते हैं इस इलाके के छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग किस तरह यहां जिंदगी गुजार रहे होंगे। मुकामी मर्द और खवातीन मिल्लत नगर अल खैर फंक्शन हॉल के पास जमा होकर मीडिया के जरिए रोड और नल न होने से हो रही तकलीफ बयां कर एरिया कॉरपोरेटर और नॉर्थ एमएलए से नाराजगी जाहिर किए हैं। पिछले कई दिनों से इस इलाके के लोग पीने के पानी के लिए मोहताज हैं और बारिश के दिनों में रोड न होने से रास्ते इतने खराब हो जाते हैं कि यहाँ स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग और कई मोटरसाइकिल्स फिसल कर गिर जाने के वाकये पेश आए हैं। कई बार रास्ता खराब होने से हॉस्पिटल के लिए भी जाना मुश्किल हो जाता है। इस इलाके के लोगों ने कहा कॉरपोरेशन और एमएलए इलेक्शन में एमएलए नॉर्थ और एरिया कॉरपोरेटर के साथ कई कांग्रेस लीडर्स वोट मांगने घर तक आए थे और वोट के बदले रोड नल और दीगर तमाम प्रॉब्लम सॉल्व करने के वादे किए, पर इलेक्शन के बाद अब कोई नजर नहीं आ रहा। नॉर्थ एमएलए और एरिया कॉरपोरेटर से मिल्लत नगर की आवाम गुजारिश कर रही है एक बार यहाँ विजिट कर यहाँ के हालात और आवाम की तकलीफ का जायजा ले और रोड की मरम्मत कराएं ताकि आने जाने वाले लोगों को आसानी हो सके। This video presented by Al Sharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Al Sharay Group of Institute. Assalamu alaikum. Ye mahalle mein na chalne phirne ko bahut takleef ho rahi hai, chikkar bahut ho gaya hai aur pani ki bhi takleef hai idhar. Aur chal phir nahi sakte. Chalne phirne wale phisal ke paon ke girne lage hain. Barish jab se ho rahi hai. Barish aake kam ho gaya, phir shuru hua to phir ye परसों एक गए साल क्या खटक डाले वो पूरा चिक्कड़ हो गया सब चलने फिर वो पहले की जैसे तकलीफ रही। आप क्या था एरिया क्या है? ये मिल्लत नगर है। हमारे एरिया में मेन पहले सब में बड़ा प्रॉब्लम है पानी का। पानी में हमारे पास कांग्रेस के सोशल वर्कर दिन में 10 बार आपको राउंड मारते हैं, हाँ ये पानी का सेंक्शन हुआ तो है, हम मैडम को दी, हम खरगे साहब को दी, हम उनको दी, इनको दी, यही बोलते हैं। ये 8 साल से सुन रहा हूँ मैं। उसके बाद अब इलेक्शन का टेम्पो आए, रोड बना तुम बोले ठीक है, बोल को क्या है आइन इलेक्शन के टाइम आती, इससे पहली बार इलेक्शन एमपी इलेक्शन का है, एमएलए इलेक्शन के टेम्पो आए, 2 बोरल मारे, 2-3 सोशल वर्कर आए, पोजा मारे, हाँ हम कर रहे हैं बोले गए। फिर अब भी यही हालत है, 8 साल से यही बम चल रही। अब ये बार भी इलेक्शन का टाइम आया, हम रोडा बना रहा हूँ बोले, थोड़ा बहुत 50 वर्क कम्प्लीट करे, कल्टे हो गए, रोडा बन रहे, बोल को आखिर ये कब तक होगा? यहाँ पे बूढ़े बच्चे जो स्कूलों को जाने के लिए दुनिया की तकलीफ है, कोई गिरे करे, कई जने गिरते हैं, बुजुर्ग लोग इतने हैं यहाँ जिसकी हद नहीं। बाद जने क्या बोलते हैं, ये वार्ड हमारे इसमें नहीं आ रहा, ये सिटी में नहीं आ रहा, बोल को सोशल वर्कर हम बोलते हैं। फिर ऊपर से क्या है मालूम, वोटर्स लेने के टाइम बराबर ये जितने भी हैं गुलबर्ग के बाहर के यहाँ आपको जो भी रहें मैडम को बराबर वोट डाले सो, फिर भी ये तकलीफ है, बोले तो क्या करना है बताइए मैडम, क्या खाली इलेक्शन के टाइम ही एक बार आपको देखना है क्या, ये बार फिर बाद में इलेक्शन के टाइम के बाद भी आना है क्या, सीधा कॉर्पोरेशन में बैठ को सब करेंगे नो, क्या कर तुम बोल को खाली फिर अगले इलेक्शन से पहले चाहेंगे, मालूम तो होना ना ये चीज, इलेक्शन जीतने के बाद कौन किधर हो गया उधर ही है, कुछ तो कुछ होना ना इधर कॉर्पोरेटर एरिया। हमिद भाई है आना, हमिद भाई जान देखना है, देखना राउंडिंग मारना, इलेक्शन से पहले तो बहुत राउंडिंग हुए, रोडांगा जीतता भी है, काम थोड़ा बहुत ये कर को चले गए, इलेक्शन के बाद अब इलेक्शन होगा इतने दिनों, फिर हाँ बोले तो फिर एमपी इलेक्शन आता उस टाइम पे आते हैं, क्या करते हैं फिर जगह रोडा बने हुए हैं, ये यहाँ से जब पूछे तो इलेक्शन से पहले बोले नहीं यहाँ से 98 तक बन रही है, उधर वहां तक जा रही है, यहाँ तक जा रही, बोले खत्म हुआ एनडी, इलेक्शन के पहले खत्म ही से बात, अब इलेक्शन के बाद तो क्या भी नहीं है, यहाँ रोड रोड आने जाने नहीं आ रहा, मुश्किल हो रही है, रमजान जब से कैसे जाना आना, देखो बच्चे छोटे बहुत घर आए, चिक्कड़ बहुत ही है, नल नहीं, नल का पानी नहीं है, कैसा करना क्या नहीं, लाइटा सही नहीं है, अंधेरे में कहा देखो, जब सांपा बिछा निकले तो क्या करना, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिसल को गिरने जा रहे हैं, लेको कितने जने गिरे, रोड का करना नहीं करना, उधर रोड हुआ इधर रोड नहीं, कितना चिक्कड़ होकर गए, चारों तो यहाँ तो नहीं है, हमारे गली में चारों तरफ रोड यहाँ नहीं है, रोड नहीं करने लगे, परेशान हो रही क्या बोलो, रात में जाने नहीं मिला, ऑटो नहीं मिल रहे, जाना कैसा ऐसा, ऑटो आ रहे नहीं, अंदर गाड़िया लेकर जाने नहीं आ रहा, हमारे स्कूल के बच्चे जाने आने, छोटे बच्चे कैसा जाना, बोले यहाँ चिक्कड़ कैसा है। 5 साल से हम मिल्लत नगर में हैं अलखर फंक्शन हॉल के पास, तकलीफ बहुत है, ना रात में आ सकते जेंट्स ना लेडीज नीचे उतर सकते, घरा में बैठे तो घरा में ही बैठने का है, ना पानी का है, 5 साल से देख रही हूँ मैं इधर, ना पानी की सहूलत है ना रोड की, निकल ही नहीं सकते घर के बाहर, पूरे मेहमान भी वही छोड़ दें, घर में कैसा आना, हर चीज़ की तकलीफ है इधर,
मिल्लत नगर में आके रहे जब से हमारे तो बहुत तकलीफ है, रोड की बहुत तकलीफ है, नल की भी बहुत तकलीफ है, पानी नहीं सो भी परेशान धूप काले में, बारिश आया तो ये रोड की तकलीफ है, और बीमार पड़े तो हॉस्पिटल को भी नहीं जा सकते हम लोग। रोड बनाती बोल रहे 5 साल से मैं यही सुन रहा हूँ, रोड की तो जरी भी सहूलत ही नहीं है, सब तरफ डाले मिल्लत नगर में, खंडाला में, हर तरफ डाले, ये दो गलियां में नहीं डाले हुए हैं। हमारी गुजारिश है बस जल्दी से जल्दी सहूलत करिए, और या नहीं बोले तो हमें वोट तो नहीं डालते, हर वक्त वोट डालते हैं, बंद करे काम मुनो, रात हो या दिन हो, हर कोई बच्चे हो या बूढ़े हो, पूरे गिर रहे हैं रोड पे, इसके जिम्मेदार कौन है? अब उनको हमीद भाई को देखना बोले तो उनकी ऑफिस भी बंद है, उन्होंने मिलते नहीं, उन्होंने आ रहे नहीं, कई जने तो बोले उन्होंने भाग के गए, क्या करना बोलो मैडम आप, इसके जिम्मेदार कौन है मैडम? हमीद भाई को तो हम कैसा पूछना, आप उनको पूछने के लिए तारफिल को जाना पड़ता, आप उन्होंने वो एरिया के, आप ये एरिया में उनको टिकट दे के हम जीता है, आपकी सूरत देख के अब इसका क्या है? क्या तकलीफ, क्या क्या है तकलीफ? वही रोड का है, नल का है, छोटे बच्चे गिर रहे, कोई बच्चे का हाथ टूटा, कोई बच्चे का पैर टूटा, अब इसके जिम्मेदार देखो मैडम आप कैसा करते, अब आपके ऊपर है ये, आप अपनी मनमानी करके उनको टिकट दे के आप जिताने का काम तो हमारा था, हम जीता है, टिकट आप दिए अपनी मनमानी करके, आप सजा हम भुगत रहे हैं यहाँ पर, चिक्कड़ वो बहुत हो रहा है, जाने आने बहुत मुश्किल हो रही, मेहरबानी कर कर ये रोड जल्दी से जल्दी बनाए तो अच्छा होता है, और पानी की भी बहुत तकलीफ है, नलां का वो सब सही से करके दिया तो अच्छा है। कहाँ पे हो रही तकलीफ, कहाँ पे हो रही आपको? मिल्लत नगर, हाँ, अलखैर फंक्शन हॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम, हम मिल्लत नगर अलखैर फंक्शन हॉल के बाजू दिल्ली में मकान है हमारा, यहाँ पर बारिश की वजह से बहुत तकलीफ हो रही, बच्चों को स्कूल जाने, हम लोगों को कहीं बाहर जाने आने, तरकारी भाजी लाने को भी नहीं जा सक रहे हम लोग। इलेक्शन से थोड़े दिन पहले आए, अच्छे सीढ़ियां तोड़ के, हमारे अच्छे सीढ़ियां थे से तोड़ दिए रोड बना रहे बोल के, अब घर में अंदर दाखिल होने को भी तकलीफ हो रही हम लोगों को। कनिष फातिमा मैडम से हमारी गुजारिश है कि हमारे घर के पास अच्छी रोड बनाकर हम लोगों को चलने फिरने में आसानी करें तो मेहरबानी होगी। अब हमें घर को आको, हम बैठते तुम्हारे घर सामने, आप कैसा कहना चाहनी, बनाती बोलते नहीं बनाती बोलते, ये बोला हमें दो में से एक बात, हमने बहुत तकलीफ हो रही है, हम ना नहीं तो वहाँ बढ़ती, हमें सड़क बंद करती, आने जाने की बंद करती, हमें घर सामने मैडम को बोलते जाको, मैडम के पास बैठते जाको घर सामने, हमें हम ना तकलीफ हो रही, जब उनको तकलीफ हो जब मालूम पड़ता जब उनको, हाँ आप उनको चलो का ना कारपेट को किसी गुत्ता दें किसी क्या करें उसे देखो का ना, आपको जरा उनको फोन लगा पूछो का ना, भेजो का ना उनको जरा, मालूम होता है उसकी बीवी बच्चों को तकलीफ हुई तो जब मालूम होता है, उन्हें भी पैसे लिया खाया बैठा घर में बैठा, हम ना तकलीफ होने लगी, यहाँ ये एरिया में आने लगा नहीं, उन्हें झांकने लगा नहीं, देखने लगा नहीं उन्हें, हाँ कारपेट में जाकर बैठा उन्हें अपने घर अंदर, मैडम को आको देखो बोलो यहाँ जरा, पहले रोड अच्छी बनाओ का ना आंखों उनको, पहले नहीं है तो तुम्हारे घर सामने पूरे आंखों बैठते हैं, मैडम के पास जाग बढ़ते हैं हमें घर सामने। आप दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरे कॉलेज गुलबर्गा, एडमिशन आर ओपन फॉर लॉन्ग टर्म नीट एग्जाम फॉर रिपीटर्स बैच फ्रॉम 10th जुलाई, एक्सपेक्टिंग 20 प्लस फ्री MBBS सीट्स, नीट रैंक एनहांसमेंट स्पेशल प्रोग्राम बेस्ड ऑन नीट मार्क्स, फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अल शरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट।